ये अपने पास लेनोवो का लैपटॉप, इसमें भी हमने SSD लगाया है हार्ड डिस्क निकालने के बाद। और इसका ये हार्ड डिस्क है, इसमें सारे डेटा हैं, तो इसका सारा डेटा हम अभी निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये लैपियर का केसिंग है, हार्ड डिस्क केसिंग, इस केसिंग को हम इस हार्ड डिस्क में लगा के सारा डेटा कॉपी करेंगे। इसको हम ओपन करने जा रहे हैं। और ये है बॉक्स, केसिंग बॉक्स ट्रांसपेरेंट है, अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, मजबूत है काफ़ी। इसको हम हार्ड डिस्क में यहाँ पे लगा देंगे। और फिर ये है ये सुप्रीम केबिन की, जो कि 3.0 पे है। और हार्ड डिस्क लगाने के बाद हम इसको यहाँ से लॉक कर दिए, इसके अंदर लॉक हो गया है। और अभी इसको लगा दिए केबल, यहाँ पे देख सकते हैं लाइट ग्रीन करने लगी है। लाइट ग्रीन करने के बाद यहाँ पे डेटा हमारा, जितने भी डेटा थे यहाँ पे डेटा शो कर गया है। तो अभी दो पार्टीशन था, एक बार फिर से निकाल के दिखा देगा। यहाँ पे दो ड्राइव दिखा रहा है, और इस हार्ड डिस्क को हम दोबारा लगाते हैं और दिखाते हैं। ये तुरंत डिटेक्ट भी करता है और हिलने डुलने पर छोड़ता भी नहीं है, अच्छी क्वालिटी का है। तो देख सकते हैं हमारा 5 ड्राइव था जो इसमें शो कर रहा है। तो अगर आप भी अपने लैपटॉप में SSD लगवा रहे हैं और SSD लगवाने के बाद आपका जो पुराना हार्ड डिस्क है उसका भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप एक केसिंग लगाकर अपने हार्ड डिस्क को पॉकेट हार्ड डिस्क की तरह, एक्सटर्नल ड्राइव की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा हमारा शो कर गया है, अब हम इसको बाहर निकाल दे रहे हैं। और बाहर निकालने के बाद डिब्बे में एक केसिंग के साथ एक कवर भी होता है, जो कि ब्लैक कलर का कवर होता है। आप चाहें तो इस कवर को भी इसे लगाकर फिट कर सकते हैं, ताकि ये इसे स्ट्रेस ना पड़े और ये आपका हार्डिक दिखे ना। जैसे कि पहले पॉकेट हार्डिक आती थी, ठीक वैसे ही ये दिखेगा। पॉकेट हार्डिक अगर आप ले रहे हैं अलग से, तो वो आपको 7 से 8 हज़ार रुपये में पड़ेगा। और ये केसिंग आपका 550 से 350 अलग अलग कंपनी के हिसाब से, अलग अलग रेट के हिसाब से ये केसिंग मिल जाएगा। और इसी हार्ड डिस्क को आप पॉकेट हार्ड डिस्क बना सकते हैं।